वैदिक पद्धति से यज्ञ ही सर्वोत्तम साधन है। इसके द्वारा किसी भी प्रकार का प्रदूषण, कोई महामारी, कोई बीमारी ठहर नहीं सकती। तो इसलिए यज्ञ करना घर घर, गांव गांव, नगर नगर, गली गली, कूचे कूचे सबसे आवश्यक है, और इसी से इसका उन्मूलन होगा और भारतवर्ष जीतेगा और कोरोना हारेगा। ठीक है, धन्यवाद। शास्त्री जी, आप क्या कहेंगे? ये यज्ञ, यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म। हमारे शास्त्रों के अंदर एक बात आती है, यज्ञ श्रेष्ठ कर्म होता है। और बड़ी खुशी की बात है कि हम गांव गांव जाकर के इस यज्ञ को कर रहे हैं। कई गांवों में हमने ये यज्ञ कर लिया, किसी कईयों में करना है। हमारे नेता बंसल जी का भी इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग है, मनीष बंसल जी का बहुत बड़ा सहयोग है। इन्होंने फ़ोन किया, शास्त्री जी झज्जर के अंदर बहुत बीमारियां फैल रही है, मैंने ऑक्सीजन की व्यवस्था भी काफ़ी करवाई, बेडों की व्यवस्था भी काफ़ी करवाई, किंतु बात बन नहीं रही, तो मैं एक यज्ञ करना चाहता हूँ। उन्होंने सारे यज्ञ की व्यवस्था की और उस व्यवस्था में हमने सफलता मिली, और आज पूरे शहर में हम ये यज्ञ करते जा रहे हैं और ये सफल यज्ञ हो रहा है। हम मनीष बंसल जी का भी महंत परमानंद जी के आशीर्वाद से और बाबा प्रसादगिरी महाराज जी के आशीर्वाद से, स्नेह से, परमानंद जी की अध्यक्षता में मनीष बंसल जी ने ये यज्ञ किया। हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और ये यज्ञ सम्पन्न होया, यज्ञ सफल होया जी। महाराज महंत परमानंद गिरी जी के सानिध्य में और आज हम ऑल इंडिया ब्लड डोनेशन ग्रुप के सभी सदस्य यज्ञ एवं सैनिटाइजर अभियान को हमने पूरे शहर भर में चलाया है, क्योंकि हमारी इच्छा थी कि जो कोरोना महामारी है जिसने विराट रूप ले लिया था, उसमें हम उसको जड़ से ख़त्म करना चाहते थे। साथियों, इस कोरोना बीमारी में धैर्य रखना अति आवश्यक है। जो नेगेटिविटी है कोरोना, उसको हमें ख़त्म करना है, और जो पॉजिटिविटी है उसके साथ हमें आगे बढ़ना है। इसी मुहिम को लेकर के हम कोरोना को ख़त्म करने के लिए हम इस यज्ञ और हवन का हमने ये अभियान स्टार्ट किया है, और जो पूरे शहर के हर गली मोहल्ले तक जा रहा है, और हमारे जो युवा टीम है वो छोटे हवन कुंड को लेकर प्रत्येक दहलीज तक उन्होंने पहुंचने का काम किया है। हमने प्रयास किया है, कोरोना भागेगा, भारत जीतेगा। इसी मिशन के साथ भारत माता की जय, जय बाबा प्रसाद गिरी महाराज की जय।